दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो ये सर्दियों का टाइम लगभग अब चला ही गया, बसंत ऋतु का टाइम चल रहा है और इसके बाद से हमारी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरे पास कुछ बीज पड़े हुए थे, मैंने खरीदे नहीं है। जो भी मेरे यहाँ पे प्लांट लगे थे मेरी छत पे टेरेस पे, तो वहीं से मैंने हार्वेस्ट किए हैं, तो इनको मैं लगाने वाला हूँ। चाहे अगर आपके पास भी किसी भी प्रकार के बीज पड़े हुए हैं, चाहे वो परमानेंट फूलों के पौधे के हों या फिर सीजनल फूलों के पौधे के हों गर्मी वाले, तो आप उन्हें अभी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। तो मैं कुछ सीड्स लगाने वाला हूँ, ज़्यादा तो नहीं मेरे पास, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। तो पहला जो है दोस्तों ये बालसम है, बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसे आप बरसात में भी उगा सकते हैं और इस टाइम पे यानी कि बसंत ऋतु में भी उगा सकते हैं। और जो ये दूसरा सीड्स आप देख रहे हैं जीनिया का सीड्स है, जिसे मैंने अपने टेरेस से ही हार्वेस्ट किया था बरसात के बाद। तो इसमें सभी को मैं लगाने वाला हूँ। इसमें कुछ सीड्स हेल्दी भी हैं और कुछ अनहेल्दी भी हैं, तो दो तीन पौधे ही चाहिए होते हैं, दो तीन पौधे ही मिल जाएँ वही बहुत है। जो अगला सीड्स है दोस्तों ये है गोमफेरना का, बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला ये फूलों का पौधा है गर्मियों का, और इस पर गुच्छों में फ्लावरिंग होती है दोस्तों, कुछ इस तरीके के फ्लावरिंग होती है, इस पर गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और बेहद ही खूबसूरत लगता है देखने में। अगर आप इसका एक फूल भी कहीं से ले आते हैं, पार्क वगैरह या कहीं किसी घर के आगे लगा हुआ, तो सालों साल आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपके गार्डन में ये पौधा बना रहेगा। एक फूल से आप काफ़ी सारे इसके पौधे तैयार कर सकते हैं और बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है। अगला जो सीड्स है ये भी मैंने टेरेस से ही हार्वेस्ट किया था अपने गार्डन से, ये है दोस्तों गेलार्डिया, गेलार्डिया का बीज। इसमें मिक्स कलर है एक दो, तो इसको भी मैं लगाने वाला हूँ। ये भी बेहद ही खूबसूरत पौधा है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये है दोस्तों एनपीके। तो वैसे मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे पास काफ़ी मात्रा में पड़ी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि ऐसी पड़ी रहती है, तो मैं सोच रहा किसी बहाने इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। वैसे मैं जैविक खाद का ही इस्तेमाल करता हूँ, तो किस तरह इस्तेमाल करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, किस में लगाने वाला हूँ मैं, ये देख सकते पोली बैग है, जो सर्फ साबुन के खाली पैकेट हम फेंक देते हैं उसी में मैंने मिट्टी भर दी है, सिंपल मिट्टी। नीचे थोड़ी चाय पत्ती भर दी, ऊपर मिट्टी भर दी है बीच में, और इसमें आप देख सकते हैं ये सीमेंट का पोर्ट बनाया था मैंने बोनसाई, तो इसमें सीडलिंग करने वाला हूँ। और एक ये जो है सोन पपड़ी का खाली बॉक्स जो होता है जिसे हम फेंक देते हैं प्लास्टिक का, इसमें मैं सीडलिंग करने वाला हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एनपीके के चार दाने जो हैं इसमें डाल दूँगा, ज़्यादा नहीं डालना, एनपीके के आपको चार दाने मिट्टी में ऐसे दबा देना है। तो सभी में एनपीके डाल देता हूँ इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एनपीके डाल देते हैं तो जब आपकी पौध निकलेगी, जर्मिनेट होगी, तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी और काफ़ी जल्दी आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास जैविक खाद नहीं है तो इस खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। तो मैं तो इसका इस्तेमाल कभी कभार ही कर पाता हूँ, तो आज ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे लगभग एक साल हो गया इसका इस्तेमाल किए बिना, अभी काफ़ी मात्रा मेरे पास एनपीके पड़ी हुई है। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले दोस्तों मैं गिलाडिया के सीड्स लगाने वाला हूँ और ये बोनसाई पोर्ट में लगाने वाला हूँ। इसको बिखेर देना है, इस पर कुछ नहीं करना है, चारों तरफ बिखेर दें आप अच्छे तरीके से। अगर लगे कि आपको एक जगह ज़्यादा बढ़ गए, एक ही जगह पड़ गए ज़्यादा सीड्स, तो उसे हाथ से आप फैला सकते हैं इस तरीके से, और इस पर आपको मिट्टी की हल्की हल्की लेयर डाल देनी है। इनको हाथ से हल्का हल्का प्रेस करें ताकि जो सीड्स ऊपर अगर हो भी तो वो दब जाए मिट्टी में अच्छी तरीके से, और हवा वगैरह के चलने से उड़े ना। तो इसी तरह मैं गोमफेरना के भी सीड्स लगा देता हूँ इसमें सोन पपड़ी के बॉक्स में, इसको भी फैला देना ऐसे, काफ़ी ज़्यादा सीड्स हो गए लग रहा है, फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ। जो आपको ये वाइड वाइड दिख रहा है सीड्स, ये सीड्स नहीं है दोस्तों, सीड्स इसके अंदर होते हैं बारीक बारीक, सरसों के दाने की तरह, लेकिन उससे काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसको चारों तरफ फैला के इस पर मिट्टी डाल दूंगा मैं।
अब मैं दोस्तों इस पॉली बैग में जीनिया के सीड्स लगाने जा रहा हूँ, तो उसको भी छीट देंगे। अब मैं बालसम के सीड्स लगाने जा रहा हूँ, ये भी पॉली बैग में ही लगा रहा हूँ। टाटा टी चाय का पॉलीथीन है, उसी को अब मैंने ग्रो बैग बनाया, उसी में लगा रहा हूँ। तो अब दोस्तों इस पे पानी दे देना, और पानी सावर के रूप में देना है, बिल्कुल सावर की तरह देना है पानी, एकदम झटके से मग्गे वगैरह से पानी नहीं डालना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी मिट्टी भी बह जाएगी और जहाँ आपने सीड्स दबाया होगा वो भी इधर उधर हिल जाएगा। तो इस तरीके से पानी दें सावर के रूप में, अच्छी तरह से नम कर देना है, और इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसकी मिट्टी जल्दी सूख ना पाए। अगर डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इसकी मिट्टी काफ़ी जल्दी सूख जाएगी। बीज को जर्मिनेट होने के लिए उसमें नमी बने रहना भी बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको नमी बना के रखना पड़ेगा। कम से कम धूप दिखाइए इसे, सुबह की धूप दिखाइए, ऐसी जगह रखिए कि जहाँ सुबह की ही धूप आए एक दो घंटे की, उसके बाद छाया ही रहे, तो ये आपके सीड्स बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कितने दिन में सीड्स जर्मिनेट होते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अपडेट के साथ। दोस्तों ये जो अपडेट आप देख रहे हैं ये 10 दिन का अपडेट है, और मैं बारी बारी से आपको बता देता हूँ किसमें कैसा रिजल्ट मिला है मुझे। ये जो है दोस्तों आप देख रहे हैं बालसम का है, वैसे तो इसके सीड्स बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं, चाहे आप बरसात में लगाएं या फिर फरवरी स्प्रिंग सीजन में लगाएं। तो ये 5 दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया था, और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये 10 दिन का रिजल्ट है। और ये जो है दोस्तों जीनिया, इसमें काफ़ी सारे जीनिया के सीड्स ग्रो हुए हैं, कुछ मर भी गए हैं, देख सकते हैं ये अपने आप ही मर गए। अभी अभी मैंने इस पर बाइटरिंग की है, तो सभी पौधे नहीं बच पाते, कुछ मर भी जाते हैं, तो लगाने लायक तो हो ही जाते हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट जो मुझे मिला है दोस्तों आप देख सकते हैं ये गिलार्डिया में, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे सीडलिंग का। इसके सीड्स भी काफ़ी सारे थे मेरे पास, और अभी भी पड़े हुए हैं, लगाने की जगह नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिला है जर्मिनेशन, ये भी 10 दिन का ही अपडेट दिखा रहा हूँ, एक साथ अपडेट दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब 15-20 दिन में काफ़ी अच्छे पौधे तैयार हो जाएंगे इसके, और जब तक मेरे विंटर के जो फूल वाले पौधे हैं उन्हें हटा के उनके गमले भी खाली हो जाएंगे, उनका सीज़न चला जाएगा, तो मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। और ये जो अगला रिजल्ट आप देख रहे हैं ये गोम फेरना का है, तो इसमें जर्मिनेट हुए हैं काफ़ी सारे पौधे, आप देख सकते हैं नज़दीक से दिखेगा आप, ये देख रहे हैं काफ़ी सारे पौधे जर्मिनेट हुए हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास किसी भी तरह के सीड्स पड़े हुए समर के फूलों वाले, तो आप अभी भी लगा सकते हैं, 15 अप्रैल तक आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो ये सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे, वो जर्मिनेट हो भी गए तो उनके मरने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।